दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली उपराज्यपाल सक्सेना ने मुख्य सचिव की छुट्टी पर आम आदमी पार्टी के प्रति उठाई। दिल्ली सरकार ने मोदी और आम नेता अतीश ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को मारने की बीजेपी साजिश रच रही है। दिल्ली सरकार ने अतीश ने कहा कि सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल 50 से नीचे आ चुका है, सीएम को अतीशी का यह बयान दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के दौरान सचिव और सीएम के सीएम पर आरोप लगाने के बाद आया। एलजी के प्रधान सचिव ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के जिसके चलते उनका वजन कम हो रहा है। इस बात का खुलासा एलजी के प्रधान सचिव ने दिल्ली के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी में किया। एलजी की चिट्ठी में कहा गया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल लेकर एलजी के प्रधान सचिव ने दिल्ली के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है जिसमें 6 से 13 जुलाई के बीच अरविंद केजरीवाल की डाइट और इंसुलिन से संबंधित जानकारी दी गई है। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में अग्रिम जमानत मिलने के बाद भी तिहाड़ जेल में है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली आबकारी निगम सीबीआई के एक अन्य केस को न्यायिक हिरासत में सीबीआई के मसले पर अभी हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया है। माइक्रोसॉफ्ट के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े आउटेज के रूप में सामने आई है। इसके कारण विंडोज सिस्टम के लिए क्राउड स्ट्राइक पर कंसेंसस सॉफ्टवेयर के दोषपूर्ण अपडेट के कारण एक ये आईटी समस्या सामने आई थी। इसके कारण विंडोज ने अपने डिवाइस पर ब्लू स्क्रीन और ब्लैक एरर समस्या का अनुभव किया। इस कारण वैश्विक स्तर पर बिजनेस प्रभावित हुआ जिसमें एयरलाइंस प्रोवाइडर और सरकारी कार्यालय शामिल है। इसके कारण एयरपोर्ट पर उड़ान रद्द होने और यूके नेशनल हेल्थ सर्विस के काम न करने जैसी समस्याएं सामने आई है। इस अपडेट के लेकर कई कंपनियों के मालिकों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। ओला कैब्स के सीईओ भविष अग्रवाल ने भी इस उड़ान को लेकर कुछ टिप्पणी की है। उन्होंने स्वीकार किया कि हालांकि अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया कि हैकर्स द्वारा जानबूझकर की गई कार्रवाइयों के कारण भी किसी तरह की रुकावटें हो सकती हैं। अग्रवाल ने भारत के अधिकांश डेटा के देश के बाहर संग्रहित करने से जुड़े जोखिम पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि चूंकि हमारा 80% डेटा भारत के बाहर संग्रहित है इसलिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार से संभावित जोखिमों को कम करने के लिए डेटा ट्रांसफर नियम को प्राथमिकता देने का आग्रह। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सचिन अडेला ने भी एक्स पर इस मुद्दे को समर्थित करते हुए यह आश्वासन दिया कि वे समस्या को हल करने और दोबारा सिस्टम को रीस्टोर करने के लिए क्राउड स्ट्राइक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्राउड स्ट्राइक के फॉल कंसेंसस सॉफ्टवेयर में एक दोषपूर्ण अपडेट से फुटेज जनरेट हुआ जिससे विंडोज मशीन पर ब्लू स्क्रीन और ब्लैक एरर हुआ। इसके कारण सिस्टम शटडाउन और रीस्टोर की समस्या जिससे हवाई अड्डों बैंकों और सरकारी कार्यालयों सहित वैश्विक स्तर पर व्यवसाय प्रभावित हुआ। यूपीएससी के अजीत मलोसोन ने व्यक्तिगत कारणों के इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा जून जून को अंत में दिया गया था। इसके स्वीकार होने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। सूत्र बताते हैं कि फिलहाल ने ओपीटी के इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। सोनी का कार्यकाल 2029 में समाप्त होता है लेकिन उन्होंने अनुभव विषय पर अधिक ध्यान देने के लिए यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी ने 2029 में समाप्त होने वाले अपने कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 2017 में यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला और 2023 में अध्यक्ष बने। सूत्रों के अनुसार सोनी अब गुजरात के अनुपम मिशन में अधिक समय देना चाहते हैं। मनोज सोनी के नरेंद्र मोदी के फैसले उन्होंने ही वर्ष 2005 में मनोज सोनी को गुजरात के विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया। उस समय उनकी उम्र 40 साल थी जिससे वह देश में सबसे कम उम्र में कुलपति बनने वाले व्यक्ति भी बने। इसके बाद सोनी को गुजरात के दो विश्वविद्यालय में कुलपति बनाया गया है। आयोग ने प्रवक्ता नितेश लाल बड़ी करवा मिली है। जांच एजेंसी ने शनिवार को कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार ईडी ने पोमवार को अवैध खनन के मामले में यह कार्रवाई की। ईडी की टीम ने अंबाला ऑफिस के लिए गठित किया। बता दें कि पिछले दिनों अवैध खनन से जुड़े एक मामले में ईडी की टीम ने
विधायक सुरेंद्र पंवार यमुना नगर में पूर्व विधायक वहीं से ईडी को कई अहम सबूत मिले थे। इसके बाद अब सुरेंद्र कुमार को अरेस्ट किया गया है। पूजा खेतकर मदद मिली की धोखेबाज ट्रेनी आईएएस पूजा खेतकर और उसकी मां की मुश्किल से लगातार बढ़ती जा रही है। गंभीर विवाद को लेकर एक स्थानीय किसान को रोकने के आरोप में मनोरमा खेतकर को गिरफ्तार किया गया और 20 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इसी के साथ अब पुणे ग्रामीण पुलिस ने शुक्रवार को .25 वेबली एंड स्कॉट लाइसेंस से पिस्तौल बरामद कर लिया है, जिससे पूजा की मां ने किसान को धमकाने की कोशिश की। पूजा की मां धुमानी गांव में मिले स्वामी को लेकर हुई बहस के दौरान एक वीडियो क्लिप में कुछ किसानों पर पिस्तौल लहराती हुई दिखी। स्थानीय अपराध शाखा की टीम बीते दिन सुबह 2 बजे में बाहर बीज बना रहे मनोरमा के हमले को तलाशी के दौरान पिस्तौल तीन जिंदा कारतूस और 9 बंदूक लाइसेंस दस्तावेज बरामद किए हैं।